आरटीओ कार्यालय पर सोमवार को कैंप लगाकर ऑटो चालकों ई रिक्शा चालकों का कोविड टीकाकरण किया गया, जिसके संबंध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्यामलाल ने बताया कि शासन ने कोरोना वायरस संक्रमण पर रोकथाम के लिए 18 से 44 वर्ष के फ्रंटलाइन वर्कर, ड्राइवर, कंडक्टर, ऑटो रिक्शा तथा ई रिक्शा चालकों को वैक्सीनेशन कराने के लिए निर्देश दिया था, जिसको देखते हुए सोमवार को आरटीओ कार्यालय पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें 117 ऑटो रिक्शा चालकों का वैक्सीनेशन किया गया। उन्होंने बताया कि यह वैक्सीन कैंप आगे भी जारी रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्याम लाल ने कहा, श्यामलाल, एआरटीओ प्रशासन, गोरखपुर। कोविड महामारी के दृष्टिगत शासन द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि जनपद के समस्त चालक, ऑटो रिक्शा, टेम्पू टैक्सी, ई रिक्शा, बस, ट्रक, सभी चालकों को टीकाकरण कराने का एक अभियान चला करके निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में आज से कार्यालय पर टीकाकरण का शुरुआत किया गया है। प्रायः देखा जाता है कि जो भी चालक हैं, टेम्पो को चाहे बस के हों, ये सीधे जनता से जुड़े रहते हैं और ये जो है प्रत्येक दिन सवारियां ढोते हैं, तो अगर अपने नहीं सुरक्षित रहेंगे तो दूसरों के सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनका सुरक्षित रहना ज़रूरी है और कोविड के फैलाव को जो है रोकने के लिए ये टीकाकरण कराया जा रहा है कि दूसरे में फिर न फैले और कम किया जा सके। इसमें सारे चालकों का इसके डेट कोई निर्धारित नहीं, लेकिन फिलहाल अभी लगातार चलता रहेगा अग्रिम आदेश तक।